गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में शेल मॉडल के बारे में पढ़ना शुरू करा है और अब हम सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल के बारे में डिटेल में करेंगे। मैं इस पे आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ आपको कोट करना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। ये जो पर्टिकुलर मैंने जो अभी कोटेशन ले रहा हूँ, जो नोट ले रहा हूँ, वो रॉय एंड नेगम की जो बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स की, उसके 7.2 सेक्शन है। द सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल, द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस आर एज्यूम टू मूव इन ए कॉमन मीन पोटेंशियल, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियॉन्स आर अनपेयर्ड, सो दैट ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन कॉन्ट्रीब्यूट जीरो स्पिन एंड जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बहुत काम का। जैसे ही हम न्यूक्लियॉन्स को दो दो को पेयर बना देंगे उनके टोटल स्पिन और टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा। द पेयर न्यूक्लियॉन थस फॉर्म एन इनर्ट कोर एंड देयरफॉर आर प्रिडिक्टेड स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इवन इवन न्यूक्लियस इज जीरो। इन द केस ऑफ ऑड ए न्यूक्लियस द प्रॉपर्टी ऑफ इन द केस ऑफ ऑड ए न्यूक्लियस द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस इज करेक्टराइज बाय द अनपेयर न्यूक्लियॉन। याद रखना है कि जो ऑड ए होगा उसमें या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड होंगे या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड होंगे, दोनों में से एक होगा, ठीक है ना। तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो करेक्टराइज की जाएगी उस अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन के द्वारा। फॉर ऑड ऑड न्यूक्लियाई जिसमें दोनों ही ऑड है, एन बी ऑड है और जेड बी ऑड है, द न्यूक्लियाई बाय द अनपेयर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ, इन दोनों से डिसाइड की जाएगी। ये जो पर्टिकुलर जो मैंने अभी बात की इसके हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उनसे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे आगे काम चलता है, ठीक है ना। ये सब चीजें का टू डिटरमाइन हाउ द न्यूक्लियॉन्स फिल इन वेरियस क्वांटम स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियस क्वांटम स्टेट इन टू विच दे आर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कैन एंटर, इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द मीन पोटेंशियल टू विच ईच न्यूक्लियॉन इज सब्जेक्टेड। हमें वो जानना बहुत जरूरी है कि हर एक जो न्यूक्लियॉन है वो कौन से मीन पोटेंशियल के बारे में। इन ए न्यूक्लियस शेल मॉडल हम न्यूक्लियस शेल मॉडल अटेम्प्ट्स आर मेड टू अंडरस्टैंड this shell closure property and predict electromagnetic and nuclear ground state properties of the nucleus in term of the uncorrelated motion of single particle in the specified mean potential. In the इस particular chapter में हम दो तरह के जो potential है उनके बारे में बात करेंगे। पहला है the infinite square potential well and the infinite second जो है the infinite harmonic oscillator potential। इन दोनों के बारे में हम पर्टिकुलर इन दोनों के बारे में क्यों करेंगे और उनके बारे में क्यों नहीं करेंगे, उसका जो आगे वाला पॉइंट है वो हमारे बहुत बहुत काम का है। इन दीज टू केसेस वी कैन ऑब्टेन एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड दे प्रोवाइड बोथ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट। द स्क्वायर वेल हैज एन इनफाइनाइट शार्प एज वेयर एज द हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल डिमिनिशेस स्पीडली एट द एजेस। दोनों बहुत बहुत काम के, देखिए एक तो इनफाइनाइट तेजी से इनफाइनाइटली तेजी से क्या हो रहा है जीरो हो जाता है और एक क्या हो रहा है जो डिमिनिश होता है वो स्पीडली एट द एज, तेजी के साथ में क्या होता है स्क्वायर के साथ में क्या होता है एज पे। द न्यूक्लियर पोटेंशियल इज एक्सपेक्टेड टू बी इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम। ये सबसे काम की चीज है जो हमारा न्यूक्लियर पोटेंशियल है, द न्यूक्लियर पोटेंशियल इज एक्सपेक्टेड टू बी इन बिटवीन दीज टू। हमारा जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है वो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होता है एंड वी डिराइव एंड वी डिजायर टू डिराइव एट द करेक्ट सिंगल पार्टिकल क्वांटम स्टेट बाय इंटरपोलेटिंग बिटवीन दीज टू। हमें एग्जैक्ट निकालने के लिए इन दोनों के बीच का लेना पड़ता है, ठीक है ना। इस दोनों के बीच के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी हैं और स्पेशली एक वुड सेक्शन है, इसमें एक पोटेंशियल जो दोनों के बीच का है उसको लेकर के कुछ काम भी करने की कोशिश करी ना। वुड सेक्शन पोटेंशियल में बेसिकली
हम जो काम में लेते हैं वो v इज इक्वल टू माइनस वी जीरो अपॉन वन प्लस एक्सपोनेंशियल म्यू आर माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, इस तरीके से लेते हैं। मैं एक बार उसको लिख देता हूँ, सेक्शन का क्या होता है, जो v r है वो है माइनस वी जीरो अपॉन वन प्लस एक्सपोनेंशियल म्यू आर माइनस, ये हमारा एक्चुअल में इसमें है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, म्यू जो ये है इसके जो यूनिट होगी वन अपॉन आर होगी। हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है, ये डायमेंशन डिस्टेंस की है तो ये वन अपॉन डिस्टेंस की होगी, तो ये अपने को ध्यान रखना। For the wood section potential, an exact solution cannot be obtained. The numerical method are employed. In fact, even the square well and the harmonic oscillator well solution in term of the known mathematical function are only possible provided the former fall of infinitely sharp and the latter extend to infinity. ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना कि इसी कारण का हमें ध्यान रखना। अब general consideration for the motion in the mean potential. The eigen state available to the nucleons of mass capital M moving in a mean spherically symmetrical potential Vr is determined by the solution of Schrodinger equation. Schrodinger equation is given by del square plus 2m upon h cross square p minus Vr wave function r equal to. बेसिक सॉल्यूशन है, हियर ई इज द आइगन वैल्यू एंड शाई इज द वेव फंक्शन। जो शाई की सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे एन एल एम आर इक्वल टू यू एन एन एज ए फंक्शन ऑफ आर एन वाई थीटा वाई, और यहां पे हम लगा देते हैं ये इक्वेशन नंबर, इसको मैंने y l m are the spherical harmonics and the u n l are the radial function. The set of quantum numbers n l m determine the eigen state corresponding to the eigen value e n l. The quantum number n is associated with the number of nodes of the radial function including the possible node at the origin, and the l determine the parity which is even or odd depending upon the value of n. For 0, 2, 4 and so on it is even, and for 1, 3, 5 and so on it is odd. अब हम सबसे पहले जो काम करेंगे infinite square well potential, इसमें v जो definition काम करेंगे v is equal to infinite की काम करेंगे, और otherwise v की value क्या होगी, 0 होगी, इसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है ना। basically हम काम ये कहा है विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना, विद इन द न्यूक्लियस, और आउटसाइड ये होगा, ये तो है आउटसाइड, ये इन द न्यूक्लियस। इसको लेकर के हम सॉल्यूशन निकालते हैं, और सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास जो आती है वो इस तरीके से सॉल्यूशन आता है, द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल एंड द रेडियल सॉल्यूशन व्हिच आर रेगुलर एट द ओरिजिन स्फेरिकल बेसल फंक्शन, और जो इसमें वैल्यू आती है यू एन एल की वैल्यू आती है फेमस स्फेरिकल बेसल फंक्शन है, बेसल फंक्शन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट, ये हमारे इसके क्या हो गए सॉल्यूशन। यहां पे अभी हमने कौन सी इक्वेशन काम में लिए, ये फोर नंबर काम में लिए, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो यहां जो के है k की वैल्यू जो हमारे पास आएगी अंडर रूट 2me h cos, ये सॉल्यूशन आप सब लोगों ने अपने पुरानी जो बीएससी पार्ट थर्ड एमएससी प्रीवियस है उसमें सब में करीब है, सही है, वही हमने कहा एनर्जी आइगन वैल्यू आर डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन r इज इक्वल टू r। यहां पे हम जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, इसके सॉल्यूशन, ठीक है ना।
केस के अंदर जो स्फेरिकल बेसल फंक्शन जो जी है उसकी वैल्यू के एल के एन एल आर डिफरेंस इक्वल टू जीरो रखेंगे। इस कंडीशन को रख करके हम आइगन वैल्यू निकालते हैं और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए मैं कुछ आइगन वैल्यू की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिसाइड कराएगी कि भाई कौन से सेल के अंदर कौन सा पार्टिकल आएगा, ठीक है ना, और कैसे उनकी फिलिंग होती है, ठीक है ना, वो मैं छोटा सा मैं कुछ मैं और भी एक साथ डेटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो हमारे कई जगह काम भी आएगा। ये मैं सारा था ऑर्बिटल जो है पहली ले रहे हम 1s, फिर लेंगे हम 2p, फिर लेंगे हम 1d, फिर आ जाएगा 2s, ये सब एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से, फिर आ जाएगा 1f, फिर आ जाएगा 2p, फिर आ जाएगा 1g, और भी आगे ले सकते हैं, f आ जाएगी एंड सो ऑन आ जाएगी। और अभी हम जो काम में ले रहे हैं ये 2 नहीं रहेगा, अभी तो फर्स्ट का ही चलेगा, इसका जो मैं रिलेटिव मैग्नीट्यूड लिखा उसकी वैल्यू लिखा 3.14, 4.49, 5.76, 6.28, 6.98, 7.72, 8.18, आप एक चाहें तो आप थर्ड डेसिमल है वो भी लिख सकते हैं, 2 है या 3 है या 3 है या 3 आ रहा है, फिर ये 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 3 है, और इसमें जो नंबर ऑफ अपने पास न्यूक्लियन होंगे वो इसके अंदर आते हैं 2, इसके अंदर आते हैं 6, इसके अंदर आते हैं 10, फिर वापस आ जाएंगे 2, एफ आ गया एफ के अंदर 14 हो जाएंगे, और फिर आ गया वापस पी, पी में 6 हो जाएंगे, फिर आ गया जी, जी के अंदर हो जाएंगे। अब ये समीशन है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस नंबर पे मारे हैं उससे ऊपर जितने भी सबका इनका सम करते जाएंगे, तो पहले तो 2 रहेगा, फिर 6 और 2 8 हो जाएगा, फिर 8 और 10 18 हो जाएगा, फिर 8 और 2 18 और 2 20 हो जाएगा, फिर 20 और 14 और 20 ये हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 और 6 हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, 40 और 80 ये हमारे पास हो जाएगा 58 एंड सो। इस तरीके से हम उनकी वैल्यू को, ये जो सारी चीजें हैं ये हमें बताती हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। ये अभी हमने जो काम लिया है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल को लेके काम करें, अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ना होकर के फाइनाइट पोटेंशियल वेल आ जाए तो बाकी सब चीजें कॉमन रहती है, केवल आइगन वैल्यू थोड़ी जो है उनमें उनकी एनर्जी क्या होता है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, वो तो कुछ डिक्रीज हो जाएगी, बाकी सारी की सारी सिचुएशन वही रहेगी जो पहले, ठीक है ना, आइगन वैल्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम फाइनाइट पोटेंशियल पे आ जाएं तो आइगन वैल्यू कम हो जाए। इसके बाद अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर लेके काम करें तो उसमें आइगन वैल्यूज और किस तरीके से आती हैं, उसमें से कौन कौन से मैजिक नंबर रिप्रोड्यूस होंगे वो हम चेक करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मैजिक नंबर मिलते हैं। मैजिक नंबर हमारे हैं 2, 8, 20, 28 ऐसे हैं, ठीक है,
अब इसमें से हम जो देखते हैं कि हमारे जो मैजिक नंबर हैं वो इनिशियली कुछ हमें रिप्रोड्यूस होते हैं, दो हमें मिल रहा है, आठ मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 20 के बाद में 28 होता है वो नहीं मिलता है, ठीक है ना, 28 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इनिशियली जो हमारे मैजिक नंबर हैं वो कुछ रिप्रोड्यूस होते हैं एक्चुअली में। तो ये जो है कुछ समझाने के लिए कुछ ठीक है, मगर इसमें जो ज्यादा है हायर वाले जो मैजिक नंबर है वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहे। तो हम अब जो काम करेंगे वो हम काम करेंगे दूसरी थ्योरी के लिए, जिसमें हम लेंगे अपना स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है ना। उसमें स्क्वायर वेल में जो फेमस जो हमारी इक्वेशन है वही हमारी काम में आएगी, जिसमें पोटेंशियल जो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हम लेकर के काम करेंगे, ठीक है ना। जो के एक्स स्क्वायर वाला जो चीज है वही लेके हम काम करेंगे, ठीक है ना, वो वही लेके काम। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तब तक के लिए गुड आफ्टरनून।